ये जो रिवीजन है ये क्या है, 50 टाइम्स रीडिंग इक्वल टू 30 टाइम्स राइटिंग इक्वल टू 20 टाइम्स लिसनिंग और ये सब बराबर है एक बार देखने। अगर आप 50 बार किसी चीज को पढ़ोगे या 30 बार लिखोगे या 20 बार सुनोगे या एक बार देखोगे वो आपको लर्न हो जाती है। क्या हो जाती है? लर्न हो जाती है। सब कुछ एक बार जो मैंने आपको दिखाया वो लिस्ट दिखाई थी मैंने आपको एक बार, क्या एक बार। अभी तक लर्न है? यस सर। नहीं तो आप 50 बार लर्न करते तो शायद वो आपको लर्न पता नहीं लगता कि इसके बाद क्या है। लेकिन आपने एक बार मैंने आपको वो चीज दिखाई क्या की आपको वो लर्न हो। नंबर 8 पे कौन से प्राइम मिनिस्टर है? आ गया आपको क्योंकि आपने उसको क्या किया है, देखा है आपने। आपने अपनी पढ़ाई में ये चीज नहीं सुनी, आपने अपनी जिंदगी को क्या करना है, देखना। आपने अपने सब्जेक्ट को देखना, आपने अपने चैप्टर को देखना, आपने अपने पहले वर्ग को देखना। तो हम लोग क्या करेंगे, ये रिवीजन लेटर है आपकी, हम इसके ऊपर बेसिस करेंगे सारे के सारे। 1, 2 और 3 हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए एक बार देखना, एक बार और हमारी मेमोरी में ये स्टोर हो जाएगा, लेकिन अच्छी तरह से देखना। अब हम बात करेंगे कि ये कैसे हुआ। अब इंट्रोडक्शन पार्ट है हमारा कि होता कैसे है, ये क्या साइंस है इसके पीछे या फिर क्या टॉपिक्स हैं इसके पीछे, वो हम देखेंगे। आइज क्लोज कर दो।